मेरे साथ संजय हैं। संजय आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इतनी देरी क्यों हो रही है पार्थिव शरीर को एम्स से चले हुए यहाँ पर काफी समय हो गया क्यों क्या आपको क्या वजह लगता है अभी असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और सीएम सर्बानंद सोनोवाल उनके प्रेस सचिव का फोन आया था उनका ये कहना है कि बहुत जाम लगा हुआ है और धौलाकुआं पे उनकी कैवलकेड वहां पर फंसी पड़ी है बहुत देर से मेरा मानना है कि पूरे इलाके में लोग या तो उनके प्रशंसक हैं जो खड़े हैं और भयंकर जाम है तो इस वजह से देरी हो रही है क्योंकि 15 मिनट का सफर है वहां से अगर आया जाए और वीआईपी गाड़ियों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल नहीं कोशिश की वो डंडे से उन्होंने कोशिश की कि कोई मार कुटाई से ही मनाना है बल्कि दिल जीतने की कोशिश की और उसमें सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये थी कि पहली बार जैसे मुझे मुफ्ती साहब बार बार बताते थे कि उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के मसले का हल जो है बॉर्डर तब्दील किए बगैर कर सकते हैं और आपको याद होगा कि फिर मुजफ्फराबाद खोलने की बात हो गई रावलाकोट की बात हो गई तो उससे पहले तो कश्मीर के मसले के हल की कोई बात ही नहीं करता था तो मैं समझती हूँ कि जो जिसको आज भी जो हमारा माहौल है पूरे मुल्क में जो है लोग जो है एक माहौल बना है पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बड़ा नेगेटिव माहौल बना है तो वाजपेयी जी ने यू नो ही ट्राइड टू राइज अबव एवरीथिंग एंड ही ट्राइड टू रीच आउट टू पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट एट ऑल कॉस्ट क्योंकि उनको मालूम था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर सुकून देना है अगर उनकी तकलीफ दूर और दोनों नेताओं ने जब पुतिन यहाँ पर आए उन्होंने एनुअल समिट रिलेशनशिप साइन किया आपको मालूम है अभी तक 2000 से चलता हुआ अभी तक वो आ रहा है जो हर साल एक दूसरे के देश में जाते हैं मुलाकात करते हैं और अपने संबंधों को आगे ले जाते हैं पाकिस्तान का तो हम जाते हैं ठीक है पहले लाहौर डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद कारगिल हुआ परंतु उसके बाद उन्होंने आगरा हुआ आगरा मीटिंग हुआ उसका कुछ नहीं हुआ परंतु आखिर तक जाते हुए उन्होंने मुशर्रफ से ये लिखवा लिया जो आप अपनी धरती को भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे ये उन्होंने उससे लिखवा लिया और ये भी मतलब इसका ये था जो उससे पहले मुशर्रफ ने ये कबूल किया जो उनकी धरती से भारत के विरुद्ध आतंकी हमले जी बिल्कुल कहा जाता है कि जी अगर वो लास्ट मोमेंट में फोन आया या आईएसआई की कहानी या तमाम चीजें कह दी वरना तो वो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए सुलझा गए थे खत्म कर दिए थे जी बिल्कुल बिल्कुल वो लेकिन पाकिस्तान चाहता नहीं था बिल्कुल है ना बिल्कुल वही मैं एक बार अमित प्रकाश अपडेट दे दूं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा अमित प्रकाश फोन आपका कट गया था मैं उस वक्त आपसे ये पूछना चाह रहा था इस वक्त जो भी शीर्ष पर है सत्ता में वो उस वक्त बच्चा था वो उस वक्त गुरु वो उस वक्त यूं कहें कि शिक्षक के स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं शिष्य थे और आज वो विदाई ऐसी देना चाहते हैं कि कोई कमी ना रह जाए बिल्कुल उसी तरीके से लगे हैं भले वो रविशंकर प्रसाद हो शाहनवाज हुसैन हो तमाम बड़े नेता हो अमित शाह हो हर कोई एक एक चीज की तैयारी खुद देखता देखिए सचिन आपसे मैं जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जा रही थी उस समय अटल जी ने बतौर प्रधानमंत्री उस टीम को एक बल्ला गिफ्ट किया था और साथ ही अपनी टीम के खिलाड़ियों से ये कहा था कि आप न सिर्फ मैच जीतिए बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ियों का दिल जीतिए और दिल जीत कर आप वापस लौटिएगा तो इस तरह की एक बहुत बड़ी शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे पाकिस्तान ने कई बार हमें धोखा दिया उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कारगिल हुआ उसके बाद हमने देखा था 2001 में किस तरह से भारतीय संसद पर हमला किया गया लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर की जो इंसानियत थी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर हमेशा से ही वो एक बहुत बड़ी बात है और ये देखिए एम्स की तस्वीर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर अब यहाँ से निकाला जा रहा है और कुछ ही देर में 6 कृष्ण मनन मार्ग उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर हो हालांकि जैसे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जानकारी देंगे इस बारे में मैं आपको कंफर्म करूंगी लेकिन वहां पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार वहां पर बने हुए थे राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जाकर
वहां पर उनका हालचाल जाना, लेकिन शाम तक ये खबर आई कि अटल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। शाम 5:05 पर राजधानी दिल्ली के इसी एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। 11 जून से वहां पर वो भर्ती थे, उनकी सेहत में सुधार नहीं देखा जा रहा था। पिछले 26 घंटे में जो जानकारी एम्स प्रशासन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हम सभी को दी गई, उसमें इस बात का जिक्र था कि 36 घंटे से डॉक्टर्स की ओर से अथाह कोशिश की गई उन्हें बचाने के लिए, कि उनकी सेहत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं देखा गया। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल निवास की तस्वीरें, जहां पर कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा एम्स से। एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा अटल निवास। और वहीं दूसरी तरफ अटल जी अमर रहे के नारे लगातार लग रहे थे, न सिर्फ एम्स के बाहर बल्कि देश के बाकी दूसरे भी हिस्सों में। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। और ये तस्वीरें एम्स के बाहर के हम आपको दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में यहाँ से एम्बुलेंस से लेकर जाया जाएगा 6 नरन मार्ग राजधानी दिल्ली, जो उनका आवास है वहाँ पर। और वहाँ पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कुछ लोग कर पाएंगे, उसमें परिवार के लोग शामिल होंगे, उसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन अगर कार्यकर्ता या दूसरे जो भी लोग अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो वो कल सुबह 10 से दोपहर 2 तक बीजेपी मुख्यालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 94 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने आज शाम 5:05 पर एम्स में अंतिम सांस ली। और वहीं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शरीर पर पहले लेपन का काम किया गया, पूरे शरीर पर लेपन किया गया, और उसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में यहां से लेकर जाया जाएगा उनके निवास स्थान पर। सीधे रुख करेंगे एम्स का ही, जहां से विकास भदौरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, आज सुबह से ही हर एक जानकारी आप तक पहुंचा।